ये मालकिन ऑनलाइन मीटिंग करते हुए फटाफट इंग्लिश पे बात कर रही है। तो नौकरानी की बिटिया रानी इन्हें देखते हुए सोचती है, काश हमारे मम्मी पापा हमें स्कूल भेजते, हम भी इनके जैसे इंग्लिश बोलना सीख लेते। मीटिंग खत्म होते ही जैसे ये मालकिन बिटिया रानी को देखती है, मुस्काते हुए इससे पूछती है, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती है? बिटिया रानी मायूस होकर बोलती है, मालकिन हमारे मम्मी पापा के पास उतने पैसे नहीं है कि हमें स्कूल भेज सके। तो ये मालकिन बोलती है, बेटा क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो? तो ये बिटिया रानी बोलती है, जी मालकिन, पढ़ लिख कर आपके जैसे ही फटाफट इंग्लिश भी बोलना चाहती। तो ये प्यारी मालकिन ये सारी बातें इस नौकरानी से बताती है। तो ये माँ अपनी बिटिया रानी की ओर देखते हुए रोने लगती और बोलती है, दीदी से पढ़ाना तो मैं भी चाहती हूँ ताकि इसकी जिंदगी मेरे जिंदगी से बेहतर बन सके। उसके बाद ये नेक दिल वाली मालकिन बोलती है, दीदी आप चिंता मत करो, आज से आपकी लाडली बिटिया रानी का पढ़ाना लिखाने का खर्चा मैं उठाऊं। इतना सुनते ही माँ रोने लगती है। दोस्तों ऐसे महान सोच वाली इस मालकिन के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।